गुड मॉर्निंग गाइस, आज जा रहे हैं अपनी शॉपिंग करने के लिए शादी की। कल मैं आ गया था घर पे, ठीक है, तो आज सोचा कि आज शॉपिंग कर लें, तो फिर दो तीन दिन बाद जो है मैरिज स्टार्ट हो जाएगी अपना फंक्शन, ठीक है। और अभी जा रहे हैं हम सबके साथ, तीन चार पांच बंदे जा रहे हैं मेरे साथ और, ठीक है, भाई है मेरे, ठीक है। फिर उसके बाद जाएंगे, पहले जाएंगे हम लोग कोट पैंट वगैरह कुछ खरीदने, उसके बाद शूज वगैरह खरीदेंगे, ठीक है। अलग अलग शॉपिंग करेंगे अलग अलग शॉप से, ठीक है। तो शॉपिंग कहाँ करने जा रहे हैं भाई? काड़ा, जगाधरी और देहरादून, यमुनानगर। तो भाई यमुनानगर के लिए जाना है, मेरे को तो कुछ पता भी नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है ना यहाँ का मेरे को, इंडिया का। तो यमुनानगर जाएंगे, फिर आपको मिलते हैं अभी रास्ते में, ठीक है, बने रहना आप ब्लॉग में। तो इन भाइयों से मिल लो थोड़ा। हेलो, ये भाई अपना, ठीक है। तो चलो आपको दिखाते हैं रास्ते का व्यू आगे जाते हुए, ओके, बने रहना आप लास्ट तक ब्लॉग में। तो गाइज अभी ये जो भी पूरी शॉपिंग हुई है, अभी मैं शॉप का आपको व्यू नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। जो भी मैंने खरीदा है पूरा, वो टोटली मैं घर में जाकर के पूरा एक एक करके दिखाऊंगा अलग अलग करके, ठीक है, क्योंकि शॉप में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ठीक है। तो वहाँ पे इतना मतलब पूरा इधर से उधर कपड़ा खिलारना और इतने ज़्यादा कपड़े खरीद रहे हैं, तो उस चीज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है ब्लॉग बनाने में। तो मैंने इसीलिए डिसाइड किया कि घर पर जाके ही आपको तसल्ली से आराम से दिखाएंगे, ठीक है। तो गाइज अभी लग गया हमारे यहाँ पे एल, क्योंकि गाड़ी में हो गया है पंचर, टायर फट गया गाड़ी का, बहुत स्पीड में आ रहे थे हम लोग और एकदम खड्डा आया, पूरा टायर फट गया है। हेलो गाइज, ये हमारे साथ प्रैंक हो गया, प्रैंक हो गया हमारा। तो भाई अभी लगता है खाना खुना भी यहीं पे होएगा हमारा सब कुछ। अभी लग गया हमारे एल यहाँ पे अच्छे वाले, तो आज रात यहीं होने वाली है जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो ये इंडिया के हालात है, रोड का पूरा बुरा हाल है, पूरा टूटा फूटा है। तो अभी क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, स्टेपनी नहीं है गाड़ी में, बट अभी देखते हैं कुछ करते हैं इलाज, ठीक है। तो मिलेंगे अभी जैसा भी होएगा, अभी दूसरी शॉप पे भी जाना है शॉपिंग करने के लिए, तो देखेंगे लेट होएंगे या क्या है, जैसा भी है अपडेट देंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ से चल पड़े हैं, क्योंकि हम लोगों को जो है टेम्परेरी स्टपनी मिल गई थी। यहाँ पे हमारे पोंटा से भाई आ रखा था एक अपनी गाड़ी लेके, तो हमने उसकी स्टपनी लगाई है टेम्परेरी, क्योंकि जो बोलेरो में है उसकी स्टपनी नहीं लग रही थी, बट हमने थोड़ा सा जुगाड़ करके, नट आगे पीछे करके थोड़े ऐसे टेम्परेरी जुगाड़ करके लेके जा रहे हैं। बट है तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि इसके बोल्ट जो है वो टूट सकते हैं, बट फिर भी हमने जस्ट थोड़ा सा जुगाड़ करके हम यहाँ से निकल पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे आगे पीछे दुकानें नहीं हैं, बहुत बहुत दूर दूर मतलब यहाँ पे दुकानें हैं। तो चलो देखते हैं आगे जाके ही इसका काम करवाएंगे, स्टेपनी वगैरह मंगवाएंगे पोंटा में पहुँचते हैं। यहाँ से पोंटा कितना 40 किलोमीटर है मुझे लग रहा है। इस गाड़ी की भी आगे टायर पंचर हो गया, इसकी भी स्टेपनी वगैरह ये चेंज कर रहे होंगे, आप देख सकते हैं इसमें भी पंचर हुआ है। तो चलो आगे जाके ही देखेंगे अब जैसा भी होगा। क्या नंबर था? फिलहाल हम यहाँ से निकल चुके हैं, हमारा टायर फट गया था।
तो गाइज़ हम लोग फाइनली बहराल चेक पोस्ट के पास पहुंच गए। ये हिमाचल का पहला चेक पोस्ट है, यहाँ पे हम एंटर कर चुके हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ का चेक पोस्ट। अभी थोड़ी देर में ही हम लोग पोंटा के एरिया में एंटर हो जाएंगे। ये है बहराल का चेक पोस्ट। इसके बाद यहाँ से 2-1 किलोमीटर पोंटा है, ज़्यादा यहाँ से दूर नहीं है। ये यहाँ का ऑटो स्टैंड है बहराल का। तो गाइज़ ये आप देख सकते हो, ये सामने जो ये चौक है, ये है बद्रीपुर चौक पोंटा साहिब में जो ये आता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पोंटा के लिए। ये चौक क्रॉस करते हुए वहाँ पर जाके थोड़ी शॉपिंग करेंगे, फिर शॉपिंग करके आ करके फिर घर जाना है वापस, क्योंकि अभी हमें कोट भी देने हैं फिटिंग करवाने के लिए पोंटा में, तो इसलिए पोंटा जाना ज़रूरी है हमारा। तो ये है यहाँ पर मार्केट जो कि काफ़ी डेवलप हो चुका है पोंटा का। यहाँ पर देख सकते हो आप, बड़ी बड़ी मार्केट्स बन चुकी है, पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है अभी। तो गाइज हम लोग फाइनली पोंटा पहुंच गए हैं। ये आप देख सकते हो चौक। तो अभी हम लोग यहाँ से अंदर जाएंगे मार्केट की तरफ। ये है गुरुद्वारे का बोर्ड इन्होंने लगाया हुआ है। तो अभी आप देख सकते हो ये है बाई पॉइंट से हम लोग अंदर कट चुके हैं, और अभी हम लोग पहले अपनी कोट वगैरह देंगे फिटिंग करने के लिए, फिर उसके बाद जो अभी शॉपिंग बची है टाई वगैरह लेने के लिए वो लेंगे, बेल्ट लेंगे, थोड़ा और काफ़ी चीज़ें जो बची है छोटी मोटी वो लेंगे हम यहाँ से। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इस मार्केट में, आप देख सकते हो पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप है पोंटा भी इस टाइम पे। लो गाइस, पोंटा में एंट्री करते ही हमें नगर कीर्तन के दर्शन हो गए हैं। अभी आपको दिखाते हैं यहाँ का थोड़ा सा व्यू। एकदम पोंटा में हम पहुँच चुके हैं अभी, एकदम गुरु गोविंद सिंह जी की पालकी। हाँ, ये अभी पोंटा में हम मेन एकदम दिखाते हैं आपको व्यू। तो गाइज़ हमने प्रसाद यहाँ पे खा लिया है, इसके बाद हम लोग कोट देंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद हम घर जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे जो भी हमने मैंने बाय किया है, ठीक है। तो गाइज़ फाइनली मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या शॉपिंग करके लेके आया हूँ सामान। कोट फिटिंग के लिए दिए हुए थे, तो अभी वो फाइनली घर पे आ गए हैं कोट भी, और अभी मतलब टोटली सामान यहाँ पे है जो मैं शॉपिंग करके लेके आया हूँ। तो मैं आपको मोटा मोटा सा दिखा देता हूँ कि क्या क्या लेके आया हूँ जो मैं अपनी मैरिज के लिए लेके आया हूँ। तो चलो देखते हैं अपने सामान के लिए। तो गाइज़ ये शर्ट है, ये पेंट है जिनकी, और ये भी शर्ट है। ये शर्ट मैं 2 शर्ट लेके आया हूँ कोट के लिए, दोनों में से जो भी मेरे को ज़्यादा अच्छी लगेगी वो मैं डालूँगा। और ये शर्ट है, ये भी शर्ट मैं कोट के लिए लेके आया हूँ, और ये जीन है, ठीक है, ये मैं ऐसे डालने के लिए लेके आया हूँ। आपको दिखाता हूँ, काफ़ी
मतलब स्ट्रेट पैंट है, स्ट्रेट पैंट मैंने 3-4 खरीदी है। ये भी स्ट्रेट पैंट है, ये आप देख सकते हो, और ये भी स्ट्रेट पैंट है। और जो ये आप देख सकते हो, ये भी मतलब पूरी नीचे से बहुत ज़्यादा चौड़ी है। ये मैंने आज तक ऐसी पैंटें डाली नहीं है, ये फर्स्ट टाइम ऐसी मैं डालने लग रहा हूँ। जो कोट है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कोट है मेरा, ये आप देख सकते हो, इस कलर का मेरा मेहरून टाइप का ये मेरा कोट है, ठीक है। ये स्टिच कर लिया है एकदम मस्त। और जो मेरा दूसरा कोट है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है डार्क ग्रीन, ये आप देख सकते हो 38 नंबर का है कोट, डार्क ग्रीन का, ठीक है, इस टाइप का है। तो फाइनली जो तीसरा कोट है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो ग्रे टाइप का है, ग्रे कलर में, ये आप देख सकते हो। इसको मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ कि ये कैसा है, मतलब जो इसके साथ में शर्ट लगाई है वो मैंने ये ब्लू कलर की लगाई है, आप देख सकते हो, डार्क ब्लू टाइप की है ये कोट है, ये आप देख सकते हो। तो गाइज ये कपड़े लिए हैं और इनर गारमेंट्स लिए हैं, वो लिए सैंडल्स लिए हैं और शूज लिए हैं, सॉक्सेस लिए हैं, वो तो खैर अभी आपको क्या दिखाने, वो तो पता ही आपको होते हैं, ठीक है। तो मेनली मेरा ये सामान था, 3 कोट पैंट थे मेरे और इसके साथ बेस कोट भी इसी के साथ में है, शर्ट्स ली है, मतलब शर्ट्स की मैंने जो कलेक्शन है वो ज़्यादा की है, क्योंकि जो भी मेरे को शर्ट मतलब लगेगी इसके साथ ये डालनी चाहिए, ये डालनी चाहिए, चेंज कर करके मैं मतलब कुछ भी डाल सकता हूँ, तो उस हिसाब से मैंने मैचिंग करके शर्ट्स ली है। बल्कि मेरे को सजेस्ट भी किया है शॉप वाले ने कि ये शर्टें मतलब एक कोट पैंट के साथ अटैच आप कर सकते हो, लगा सकते हो, तो उस हिसाब से मैं काफ़ी सारी अपनी जो है कलेक्शन की है। बाकी अभी बची खुची जो होगी थोड़ी बहुत कलेक्शन वो मैं यहाँ से करूँगा अपने पोंटा से ही, ठीक है। तो उसकी तो खैर अपडेट क्या देनी है, मेनली मतलब मेरा यही था जो पर्पस था कोट पैंट का, यही इस टाइप के ही मेरे को चाहिए थे, मतलब मेरी पसंद के है कोट पैंट, आप मैरिज में देख लेना किस टाइप से कैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जो भी भाई मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको इस ऐसी ऐसी वीडियोज मिलती रहे। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन।